ये देखिए पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या जबरदस्त ग्राफिक से दोस्तों, जबरदस्त लग रहा है एकदम। ये देखिए दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस, दो दो वंदे भारत एक्सप्रेस, दोनों का ग्राफिक जबरदस्त है। हेलो दोस्तों, फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग खेलेंगे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर वर्सेस इंडियन ट्रेन सिम 2023, और दोनों में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएंगे और देखेंगे किसका ग्राफिक सबसे बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम लोग खेलते हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। ये देखिए दोस्तों, दीदी थी फ़ोन पर बात कर रही थी, अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली थी, तो हमारी दीदी अब ट्रेन में चल चुकी है। ग्राफिक्स देखिए दोस्तों, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे हालांकि स्टेशन पर होते रहता है, सेम टू सेम गेम में भी है। और इसमें देखिए दोस्तों, पैसेंजर चल रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो 42 से 45 पैसेंजर चढ़ चुके हैं हमारी ट्रेन में। ये देखिए, तो धीरे धीरे ट्रेन में हमारे पैसेंजर चढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कितने पैसेंजर चढ़ चुके हैं। और ये देखिए स्टेशन पर खड़ी है न्यू दिल्ली स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये देखिए दोस्तों, स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। ग्राफिक्स देखिए, कोई भी लैगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लैगिंग पहनने वाले की बात नहीं कर रहा दोस्तों, गेम की लैगिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई भी लैगिंग नहीं है, एकदम मस्त चल रही है हमारी ट्रेन, और एकदम नेचुरल लग रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस सही में चल रही है। ये देखिए अंदर का लोको पायलट का कैबिन, ऐसा लग रहा है जहाज का कैबिन है, जबकि है वंदे भारत एक्सप्रेस का कैबिन। क्या बनाया गया इस ट्रेन को और इस गेम में भी क्या बनाया गया है, कैसे आपको कोई कमी लग रही है तो कमेंट करके बताइए। ये हमारी ट्रेन चल रही है, स्पीड लिमिट देखिए 140 की है। साइड में आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ग्राफिक्स देखिए साइड में। इंडिया ट्रेन सिमुलेटर गेम का नाम है। अभी हम दूसरा गेम भी खेलेंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई कमी है तो कमेंट करके बताइए, मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। और अंदर के देखिए दोस्तों, सीटिंग एरिया देखो, एकदम सी जो साइड में मिरर है आप देख सकते हैं, एकदम क्या शानदार बना हुआ, कितने बड़े बड़े मिरर हैं। सीटिंग देखिए, कितने अरेंजमेंट कितना बढ़िया से हो रखा है, सेम टू सेम वंदे भारत एक्सप्रेस एक्चुअल की तरह, जबकि ये गेम है। ये देखिए दोस्तों, साइड में पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, और घर भी देख सकते हैं। झाड़ियाँ मत देखिएगा दोस्तों, कि उसमें कोई देखने वाली चीज़ होती नहीं है। इसमें ये है दोस्तों, हर 1000 मीटर या 150 मीटर, मतलब 1500 मीटर पे आपको स्टेशन मिलने को देखने को मिलेगा इस गेम में। मतलब आप 10 स्टेशन है तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। अब वंदे भारत एक्सप्रेस वहाँ पे रुकेगी भी, और आप अगर नॉन स्टॉप सेलेक्ट कर देते हैं सेटिंग में जाके, तो यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं, सिग्नल आपको ग्रीन मिलेगा और आपकी ट्रेन एकदम से सड़ से निकल जाएगी। लेकिन एक चीज़ की कमी ये है दोस्तों, कि इसमें अभी आपको कोई ट्रेन क्रॉसिंग अभी नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, देखते कहीं आगे मिल जाए। हालांकि हो सकता है अपडेट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो जाएंगी दोस्तों, क्रॉसिंग भी बहुत सारी अपडेट हो जाएंगी आने वाले अपडेट में। ये देखिए, इसमें पैसेंजर उतरते हुए भी दिख रहे हैं और चढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, और ट्रेन के अंदर जाते हुए भी दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस इंडियन ट्रेन सिमुलेटर गेम का नाम है। गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी मैं दे दूँगा। ये देखिए, आप लिख चुका है लीव द स्टेशन नाउ, है ना। तो कोई स्टेशन पर तो रहता नहीं है दोस्तों, ट्रेन पकड़ने के लिए आता तो ट्रेन पकड़ के हमारी ट्रेन निकल चुकी है। ये देखिए स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल गई। ग्राफिक्स देखिए, साइड में होर्डिंग देखिए, आपको होर्डिंग दिख जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, ये है एयरटेल का ऐड, देखिए एयरटेल वाली लड़की वहीं पर बैठी हुई है गेम में। तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है दोस्तों इस गेम में, कि नेचुरल आप क्या क्या देखते हैं। अगर आप नेचुरल में जाकर देखेंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे, तो आपको सब चीज़ दिखेगा। देखिए देखिए, ये देखिए लोहे वाला पुल आ गया, ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे से हमारी ट्रेन निकली, और लोहे वाला पुल के नीचे पानी भी है। वो तो होता ही है पुल के नीचे पानी, लेकिन है इसमें भी। तो ये गेम है दोस्तों, गेम का नाम है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको खेला है। हो सकता है आपने भी खेला हो, नहीं खेला है तो खेल लीजिए। ये देखिए साइड में देखिए कितनी सारी दुकान है, फिर से देखिए पुल आ गया, और नीचे से झंझनाते हुए हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पुल के ऊपर से निकल रही है, और नीचे पानी है, पानी में लोग नहा रहे हैं, और उसके बाद देख रहे हैं कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी शानदार लग रही है। गेम खेलो ऐसा दोस्तों कि मज़ा आ जाए,
सफर का मजा अगर आपको इस गेम में लेना है तो कान में ईयरफोन लगाइए, रात के समय एकदम सन्नाटे के समय फिर चलाइए ट्रेन, ऐसा महसूस होगा आप सेम ट्रेन में बैठे हो, आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी एकदम बढ़िया। ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है एकदम मोजे में। अभी थोड़ी देर में मैं दूसरी गेम की ओर भी चलूँगा दोस्तों, लेकिन इस गेम को आप अच्छे से समझ लीजिए। ट्रैक इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ट्रैक चेंज होता है, बस स्पीड पर आपको कंट्रोल रखना है, स्पीड लिमिट आपको क्रॉस नहीं होनी चाहिए नहीं तो लेवल फेल हो जाएगा। ये देखिए स्टेशन, एक स्टेशन गया था, दूसरा स्टेशन आ गया दोस्तों। अब इसके बाद हम दूसरे गेम पे चलेंगे, जब तक आप ये स्टेशन पहुँचे तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत पावर मिलेगा, फिर मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँगा, वैसे भी लाऊंगा ऐसे भी लाऊंगा, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए तो पावर तो मिलेगा ही ना दोस्तों। इंजन ऑयल में, इंजन ऑयल जो होता है उससे कुछ नहीं होता दोस्तों, चलता पेट्रोल सही है, तो आप मेरे पेट्रोल हो तो भरते जाइए दोस्तों, गाड़ी चलती जाएगी। ये देखिए दोस्तों फिर पैसेंजर उठ सकते हुए भी आपको दिखेंगे और चढ़ते हुए भी आपको दिखेंगे, देखिए देख सकते हैं साइड में बुक स्टोर है, कोई किताब उताब पढ़ना हो, कोई कहानी होनी है तो ले सकते हैं, तो सब चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है दोस्तों इस गेम में। ये देखिए दोस्तों सारे सारे पैसेंजर उतर गए, अभी स्टेशन से चलने को तैयार है, लेकिन हम नहीं जाएंगे आगे स्टेशन, अब हम चलते हैं दूसरे गेम की ओर। ये देखिए दूसरा गेम आ चुका है, इंडियन ट्रेन सिम 2023, सेम वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लोग चलते हुए आपको दिख रहे हैं अच्छे से। ये देखिए स्टेशन पर खड़ी है हमारी ट्रेन और ग्राफिक्स देखिए एकदम बेहतरीन है। बस इसमें एक कमी है दोस्तों, इसमें पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते हुए नहीं दिख रहे, हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में ये भी आ जाए। ये देखिए अंदर एकदम सेम टू सेम बना हुआ है, साइड में लोग चल रहे हैं और ज़्यादा चल रहे हैं इसमें लोग, इसमें लोग ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन में चलते हुए मतलब चढ़ते हुए नहीं दिख रहे इसके अंदर कि इतने पैसेंजर चढ़ चुके हैं या नहीं चढ़ रहे या उतर रहे, वो नहीं दिखा। ग्राफिक्स देखिए लोगों, पायलट का कैबिन देखिए एकदम सेम टू सेम, एकदम जबरदस्त ग्राफिक्स बनाया गया है इसमें, कोई मतलब कमी नहीं है ग्राफिक्स में। और 16 कैमरा एंगल है दोस्तों इसके अंदर, 16 मतलब देखिए हर एंगल से आप उसको देख सकते हैं। स्टेशन की बात करें दोस्तों कि इस गेम में आपको स्टेशन जो है थोड़े थोड़े दूरी पे मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस वाली गेम है ये, जैसे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाएंगे तो 400-500 किलोमीटर आपको ट्रेन चलानी पड़ेगी, और इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर में हर थोड़ी देर पे स्टेशन आ जाता है, उसको भी आप नॉन स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये गेम है इसमें कम ट्रेन रुकेगी, एकदम सड़ाते तर फुल स्पीड में चलेगी। लेकिन एक दिक्कत ये है कि आप सोचेंगे कि लॉन्ग आपका डिस्टेंस मिला हो तो आप धंधनाते हुए ट्रेन को चला लेंगे, तो धंधनाते उनकी होकर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये है कि आपको सडनली क्रॉसिंग का सिग्नल मिल जाएगा रेड सिग्नल और आपको ट्रेन रोकनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, तेज में दिक्कत आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए साइड में देखिए रोड क्या बेहतरीन बनाया गया है, साइड में देखो हरे भरे ग्राफिक्स है इसमें, आसमान देखिए क्या शानदार लग रहा है एकदम, मतलब ग्राफिक्स की देखिए उससे तुलना करा जाए तो कम नहीं कह सकते। ये देखिए पुल है, पुल के नीचे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, कम हम नहीं कह सकते किसी तरह भी कि इस ग्राफिक्स में ये कमी है। ये देखिए ऑरेंज सिग्नल मिल गया, जैसा मैंने बोला था रेड सिग्नल मिलेगा और हमारी ट्रेन निकलेगी नहीं, रुकेगी अब क्योंकि ट्रेन क्रॉसिंग होगा। तो ये है दोस्तों इंडियन ट्रेन सिम 2023, ग्राफिक्स देख ही लिया आपने। देखिए इसमें एक चीज़ और मिला जो इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर में देखने को नहीं मिला, ये इसमें खास बात मिला है, इसमें जब खेलेंगे तब आपको ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी ट्रेन क्रॉसिंग मिलेगी आपको, कोई ना कोई ट्रेन आपको जरूर क्रॉस करेगी। जो लोग खोजते हैं कि भैया मुझे ट्रेन क्रॉसिंग चाहिए चाहिए मुझे ट्रेन क्रॉसिंग, तो इस गेम में है इंडियन ट्रेन सिम 2023, ये क्या बेहतरीन क्रॉसिंग हो रही है, ICF कोच ने ट्रेन को क्रॉस किया हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस को। ये है दोस्तों दोनों में डिफरेंस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ उसमें कमी है तो किस उसमें कमी है, देखिए हर गेम तो 100% परफेक्ट नहीं कह सकते कि जी मुझे सिर्फ यही खेलना है, गेम खेलने वाला हर गेम खेलता है, दोनों गेम बेहतरीन है, दोनों गेम मज़ेदार है, जाइए डाउनलोड करिए और दोनों गेम ही खेलिए, ये नहीं कि मैं ये खेलूँगा तो वो नहीं खेलूँगा, वो खेलूँगा तो ये नहीं खेलूँगा, दोनों खेलिए। और आगे भी मैं और आपकी इसी तरह वीडियो लाऊँगा जिसमें आपको लगेगा कौन सा गेम बेहतरीन है, मेरे हिसाब से इस गेम में ऐसा कोई नहीं लगा कि आपको इसमें खेलना है उसको नहीं खेलना है, उसको खेलना है तो इसको नहीं खेलना है, खेलना दोनों है, देखिए गेम तो खेलने के लिए होता है। ये देखिए ऊपर से बसें जा रही है,
फ्लाईओवर के नीचे से वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूर लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन से बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।